कस्टमर कौन जरूरत, दिखत है। चलो जब तो पिछली क्लास में कहाँ तक तो पढ़े थे, फ्रिंज की चौड़ाई बनाए थे ना। अच्छा फिर अब देखो कोणी चौड़ाई क्या होती है, तो कोणी चौड़ाई ये दूरी कितनी होती है, स्मॉल डी, गैप कितना लेते हैं स्मॉल डी। अब ये बना मान लो पहला मैक्सिमा, तो ये वाली दूरी कितनी बनी थी, एक्सएम, एक्सएम बनी थी ना। तो यहाँ से इसको मिला लेते हैं, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम लिखेंगे थीटा एम से, अगर दूरी एक्स एम तो कोण थीटा एम मान लेंगे। अगली जो दीप्त बनी है इसको मिला लेते हैं, तो ये जो टोटल एंगल बना इसे लिखेंगे थीटा एम प्लस वन। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी होगी यहाँ तक इसको एक बढ़ा करके बोला जाएगा, अगर ये पहला है तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो कोणी चौड़ाई का मतलब क्या होता है, ये जो बीच का गैप निकल के आया, बीच का गैप इतना, ये क्या कहलाएगा, कोणी चौड़ाई। अच्छा कोणी चौड़ाई होगी कितनी, तो अगर आपसे पूछा जाए थीटा निकालिए तो पूरा कोण कितना है, थीटा एम प्लस वन। इसमें से अगर हम थीटा एम घटा देंगे, पूरे में से अगर इतना घटा दिया जाए तो यही तो बचा, और यही हम पूछा, यही क्या कहलाएगी, कोणी चौड़ाई। अब थीटा एम और थीटा एम प्लस वन कितने कितने होंगे, तो अगर हम थीटा एम निकालें तो कोण बनेंगे छोटे, तो कोण के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, एक्सएम, आधार कितना हो जाएगा डी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सएम बाई डी, भाई थीटा एम जो है दूरी कितनी बना रहा, एक्सएम, दूरी कितनी कैपिटल डी, और एक्सएम कितना होता है एम डी लैम्डा बाई डी, और ये वाला डी, डी डी कैंसिल, कितने आए एम लैम्डा बाई डी बनेंगे। और अगर हम थीटा एम प्लस वन निकाल लें तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यक्स एम प्लस वन अपान डी, और यक्स एम प्लस वन कितना हो जाएगा, तो इसके जगह पर एम की जगह पर एम प्लस वन हो जाएगा, डी लैम्डा बाई छोटा ये एक्स एम कितना होता है एम डी लैम्डा बाई डी, यही तो दीप्त के लिए बना था, तो उसी को रख रहे हैं, बस यम की जगह आप क्या कर देना है यम प्लस वन कर देना है, अपान में डी, डी डी कैंसिल हो गए, यम प्लस वन लैम्डा बाई डी, मुझे थीटा यम प्लस वन दोनों मिल गए। और अगर ये दोनों मान हम यहाँ यहाँ रख देते हैं तो थीटा यम प्लस वन का मतलब यम प्लस वन लैम्डा बाई डी, और थीटा यम का मतलब कितना बना एम लैम्डा बाई डी। चाहो तो ब्रैकेट की गुणा करा ले, या तो कॉमन ले लो, क्या करा लेते हैं, कॉमन ले लें, चलो लैम्डा बाई डी कॉमन ले लोगे तो इधर बना यम प्लस वन, इधर कितने बन गए माइनस यम, यम यम कट गए, वैल्यू कितनी आई लैम्डा बाई डी, तो कोणी चौड़ाई कितनी बनेगी लैम्डा बाई डी बन जाएगी। ठीक, इसी को जब विवर्तन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सिंगल स्लिट ली जाएगी, ठीक, एक स्लिट, जब एक स्लिट लेंगे तो उसमें इसको स्मॉल ई से लिखा गया, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे ई से लिख लीजिए, चाहे स्मॉल ए से लिख लीजिए, चाहे स्मॉल डी से, ठीक, जो कहा जाए उस हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आई, कोणीय चौड़ाई हमको मिल गई, तो फ्रिंज के पथांतर हो गया, दीप्त हो गया, अदीप्त हो गया, चौड़ाई हो गई, और ये क्या बनी, कोणीय चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं कैसे क्या करना होगा। तो अब देखो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, कुछ प्रकार की कल न्यूमेरिकल की बात हो गई थी ना, जैसे छोटा डी दिया हो, लैम्डा दिया हो, बड़ा डी दिया हो, डब्लू पूछा जाए, बना लेंगे ना, दीप्त पूछा जाए, अदीप्त पूछा जाए, क्रमागत पूछ लिया जाए, तीसरा पूछा जाए, चौथा पूछा जाए, कल हो गई थी ना बात, तो हो जाएंगे ना इससे दोबारा। अब देखो कुछ अलग टाइप की, जैसे हमने कहा यंग के डबल स्लिट प्रयोग में स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और स्क्रीन गत्ते पर रखी गई कैपिटल डी, पर्दा इतनी दूर है, और तरंग दैर्ध्य उपयोग में लाई गई लैम्डा, तो फ्रिंज की चौड़ाई बनी इतनी। इसका कहने का मतलब यह है कि मान लो स्लिट के बीच की दूरी हमने कहा 3 मिलीमीटर है, और कैपिटल डी हमने दे दिया 120 सेंटीमीटर, तरंग दैर्ध्य हमने कह दिया 5000 एंगस्ट्रॉम है,
चौड़ाई भी मान लो देते, अगर इतनी राशियां दी जाएंगी तो डब्लू आपको निकालना पड़ जाएगा, वहाँ नहीं दिया जाएगा चौड़ाई के, ठीक। तो डब्लू आप निकाल लेंगे कहाँ से, हाँ डी लैम्डा बाय डी से, सब मान मालूम आप रख करके निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर सवाल अच्छा होगा तो क्या क्या बातें होंगे, कहा जाएगा यंग के डबल सेट प्रयोग में तरंग दैर्ध्य उपयोग में लाई गई, चलो 6000 मान लेते हैं, ठीक। तो फ्रिंज की चौड़ाई बन गई 2 मिलीमीटर, फिर कहा इस पूरे उपकरण को द्रव में डुबो दिया गया, ठीक। और द्रव का अपवर्तनांक था 4/3, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना था 4/3, तो नई चौड़ाई क्या बनी। तो आप क्या करेंगे, पहले वायु में कंडीशन बनाएंगे डी लैम्डा बाय डी, जब आप जल में डुबोएंगे पूरे उपकरण को तो जल में डुबोने पर बड़ा डी और छोटा डी चेंज नहीं होगा, ठीक। चेंज क्या होगा, लैम्डा डैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल बदलेगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, ठीक। तो क्या चेंज हो जाएगा, लैम्डा। तो अपने पास फार्मूला है लैम्डा डैश अपॉन डी, डी लैम्डा डैश अपॉन डी। अगर दो को एक से हम भाग कर देते हैं तो डब्लू डैश बटा डब्लू, तो सब कुछ कट करके क्या बना, लैम्डा डैश बटा लैम्डा, इतना लिख सकते हैं। स्नेल के नियम में एक कंडीशन पड़ी होगी, साइन आई अपन साइन आर बराबर एन, एन टू बटा एन वन, और एन टू को एन कर लें, एन वन को एक मान लेंगे तो एन बन जाएगा, सी अपन वी लैम्डा अपन लैम्डा डैश। अच्छा यहाँ से देखो लैम्डा डैश अपन लैम्डा कितने बराबर नहीं पता, लेकिन लैम्डा बटा लैम्डा डैश कितने बराबर, तो इनको अगर पलट के लिखा जाए तो एक बटा एन बन जाएगा, बनेगा। तो अपने पास फार्मूला क्या निकल के आया, डब्लू डैश बटा डब्लू बराबर एक बटा एन, तो डब्लू डैश बराबर कितना आ जाएगा डब्लू बाई एन, ठीक। तो क्या याद रखना तुमको, ये कंडीशन समझ भाई, तो जब भी उपकरण को डुबोने की बात होगी न्यूमेरिकल में, इधर समझते हैं देखो, वायु में अगर कहा जाए चौड़ाई कितनी है डब्लू, एन अपवर्तनांक में उपकरण को डुबोया जाए, तो नई चौड़ाई जब आप निकालेंगे तो डब्लू बटा क्या करा देना, एन करा देना, आपका सवाल लग जाएगा वहां पर, समझ गए। जैसे हमने कहा कि वायु में फ्रिंज की चौड़ाई दे रखी 2 मिलीमीटर और जल का अपवर्तनांक दे दिया 4/3, इतने दरों में डुबो दिया गया, तो पूछा जाए नई चौड़ाई क्या होगी, तो पहले वाली चौड़ाई कितनी है 2 मिलीमीटर बटा कितना कर देना 4/3, गुणा करा दीजिए कितने बने 3 × 2/4 कितने 3/2, अरे इतने तो आएगा, यही आंसर हो गया आपका, ठीक। इस टाइप के सवाल हो जाएंगे ना। अगली कंडीशन देखो, सेकेंड पॉइंट, अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जैसे कहा जाएगा जब तरंग दैर्ध्य लैम्डा वन, तो फ्रिंज की संख्या फ्रिंजे एन वन दिखाई देती हैं, ठीक। मतलब यंग के प्रयोग में जब तरंग दैर्ध्य कुछ वैल्यू होगी इतनी अगर उपयोग में लाई जाए तो 60, 45, 30 कुछ भी बोलेगा ऐसे इतनी फ्रिंजें दिखाई देती हैं। फिर यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा टू उपयोग में लाई जाए तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी, तब कंडीशन क्या लगाना है आपको, दोनों साइड के डिस्टेंस आप बराबर बना के काम करेंगे, क्या लिखेंगे एन वन डी लैम्डा वन बाई डी, एन टू डी लैम्डा टू बाई डी, और ये दोनों कट जाएंगे तो फार्मूला आएगा एन वन लैम्डा वन एन टू लैम्डा टू, आपको याद रखना है, ठीक। पहले की तरंग दैर्ध्य पहले कितनी फ्रिंजें देखी उनकी गुणा करा देना, बाद में कितनी तरंग दैर्ध्य उपयोग में लाई जा रही है वो यहाँ ले लेना, बाद की फ्रिंजें आपको निकाल लेना है, तो फ्रिंज की संख्या कितनी फ्रिंजें दिखाई दी आपसे, आपके सवाल यहाँ से लग जाएंगे, हो जाएंगे तेज सबसे हो जाएंगे।
अगली कंडीशन, तरंगदैर्ध्य को लिया जाए कि डायरेक्ट बना लीजिए, लैम्डा लेके बना लीजिए। जब तरंगदैर्ध्य लैम्डा वन का प्रकाश गिरा जाए, समय लिख नहीं रहे पूरी बात लेकिन सेंस वही है, जब यंग के प्रयोग में लैम्डा वन तरंगदैर्ध्य का प्रकाश स्लिट पर गिराया जाता है तो डब्लू वन चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक, फिर यदि पर्दे की दूरी दोगुनी कर दी जाए तथा स्लिट के बीच की दूरी, चलो आधी मान लेते हैं, चलो आधी कर दी जाए और तरंग दैर्ध्य लैम्डा टू तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ठीक, तो वायु में आप क्या करेंगे, देखो पहले वायु में बात हुई तो लिखेंगे डब्लू वन बराबर डी लैम्डा वन बाई डी, सबको वन वन कर लेना, ऐसे इक्वेशन बना लेना। लेकिन किंतु परंतु यदि अगर लग गया तो समझ जाना हमको एक दो समीकरणें बनानी पड़ेंगी वहां पर। ठीक, फिर क्या कहा, बाद की चौड़ाई कितनी मानोगे? डी टू लेमडा टू बाई डी टू, ऐसे कर लेना, दो कंडीशन बना लेना इसे। अब सवाल में कहा क्या गया, कहा है कि डी टू जो है डी वन का कितना कर दिया जाए, दो गुना है, और स्मॉल डी टू पहले का कितना कर दिया जाए, आधा। इतना समझ पाए? तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, दो को एक से, इक्वेशन टू मान लो, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो अब लिखेंगे क्या, डब्लू टू बाई डब्लू वन, ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे, डी टू लैम्डा टू बाई डी टू और ये पलट जाएंगे, डी वन सब वन वन हो गए, टू वालों को आप चेंज कर लीजिए। ठीक, डी टू कितना कहा गया, टू डी वन, तो इसकी जगह पर क्या कर देना, टू डी वन लैम्डा टू लिखो, इस वाले डी वन को छोड़ दीजिए इसे, और छोटा डी टू कितना कहा गया, डी वन बाई टू, तो टू ये वाला ऊपर भेज दीजिए गुणे में, कितने बचे, डी वन लैम्डा वन। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, अरे कैंसिल हुए, तो क्या फार्मूला अपने पास निकल के आया, दिख रहा है, डब्लू टू इज इक्वल टू डब्लू वन, ये तो मल्टीप्लाई में आएगा इधर। ठीक, दो दो कितने बन गए, चार, तो चार को आगे लिख लेते हैं, ये डब्लू वन अब भेज दो, लैम्डा टू बाई लैम्डा वन, रहते तो आएगा, अरे बनेगा, तो ये बने दोगुना तिगुना चार गुना आधा तीन थ्री चौथाई, ऐसे नाम लेगा तो आपको सवाल इस कंडीशन पे लगाने होंगे इसे। ठीक, इतना नोट करिए फिर बताते हैं, फिर है ना, दोनों चलिए एक सवाल लेते हैं बढ़िया सा। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, स्लिट के बीच की दूरी कितनी है, 2 मिलीमीटर, पर्दा कितनी दूर चल रहा है, चल नहीं रहा, मतलब पर्दा स्लिट से कितनी दूर है, 120, ठीक 120 सेंटीमीटर दूरी पर। यदि तरंग दैर्ध्य कितनी लाई जाए, 7200 पहले एंगस्ट्रॉम ली गई और बदल के कितनी कर दी गई, 4500 एंगस्ट्रॉम परिवर्तित कर दी जाए, तो दीप्त फ्रिंज से वह कम दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों फ्रिंजें कैसी हैं, संपाती।
जब संपाति नाम लेगा तो आपको करना क्या होगा, जैसे जो दिया उसको पहले निकाल लीजिए, क्या क्या दे रखा है, स्लिट के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, स्लिट के बीच की दूरी सबसे कम से कम 2 मिलीमीटर माइनस 3 से गुणा हो जाएगा। कैपिटल डी कितना दिया गया 120 सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। अच्छा लैम्डा वन कितना, 7200, 2 जीरो हटा करके 8 लिख लिया जाए, भाई 10 लिखिए 2 जीरो हटे 8 रह जाइए। और लैम्डा टू कितना, 45 × 10^7 -8 मीटर, ये तो डाटा दिया था। अब मिनिमम दूरी की जब बात करेगा तो हम करेंगे क्या, वही कंडीशन, इतनी तरंग दैर्ध्य तो इतनी फ्रिंज है और इतनी तरंग दैर्ध्य तो इतनी फ्रिंज है, कंडीशन वही लगा लीजिए। तो क्या लिखोगे, एक्स एम वन बराबर एक्स एम टू, एन में बनाना चाहिए एम में बना लो, और इसकी वैल्यू कितनी, एम वन डी लैम्डा 1/d, इधर क्या लिखोगे, एम टू डी लैम्डा 2/d, डी डी कट गए, तो एम वन बाई एम टू बराबर लैम्डा 2/λ, ये लैम्डा 1 नीचे ले आओ। अब जो वैल्यू दे रखी है उनके जरा मान रख लो, यहाँ पर लैम्डा 2 कितना है, 4500, 8 कट जाएंगे ना, 72, 8 कट गए ना, ये कितने से कटेंगे, हाँ 9 से कट जाएगा ना, 5 बार लगा और 8 बार लग गया, ठीक। अब यहाँ से तुम्हारी मर्जी है न्यूमेरिकल लगाने में, अगर तुम इस वाले डाटा को लेके सवाल लगा रहे हो, क्योंकि दोनों दूरियाँ बराबर ही होंगी, तुम्हारे मूड में है नहीं हम x m1 निकालेंगे, तो क्या लिखोगे, m1 d lambda 1/d, आप ये काम करेंगे वहाँ, m1 के सामने कितना है ये लेना होगा संख्या m1 की। अब d की वैल्यू कितनी कहा गया, 120, लैम्डा 1 कितना है, 72 × 10^7 -8, छोटा डी कितना है, 2 × 10^7 -3, चाहो तो इनको काट दिया जाए ना, दो से काटो, इसे काट दिया जाए, 6 बार लग गया, 6×5=30 बन गए। अच्छा ये 3 ऊपर लाओ प्लस के, 1 ये 0 रह गया ना, सही है ना, 6×5=30, 1 0, ठीक। ये 8 में से 2 गए, 8 × 2 = 10, और 3 गए ऊपर प्लस के, तो रह गए कितने, अरे 7 ही तो बचे माइनस के, तो ये आ गया 3×10^7 -5 मीटर, ये दूरी अपने पास निकल गई, कुछ गड़बड़ हो, अच्छा 72 रह गया यार, अरे यार 300×10^7 माइनस कितने बचे, 5, 7 बचे ना, 8×2=10, 3×7, ठीक। अब गुड़े कितने, 72, ये 2 जीरो काट के 2 जोड़ लीजिए इसमें, तो 3 से गुणा करो, 3×2=6, 3×7=21, 10^7 कितने आए, -5 मीटर, ये आंसर आया, ये तो समझ गए। हो सकता है तुम्हारा मूड होने हम इससे लगाएंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एम टू बराबर एम टू डी लैम्डा 2/d लिखोगे, एम टू की वैल्यू कितनी दिख रहा है ना, एम टू के सामने कितना है 8, अब यहाँ 8 ले लेना, इससे लगा लेना, डी की वैल्यू कितनी, 120×10^7 -8, लैम्डा 2 कितना, 45×10^7 -8, स्मॉल डी कितना है, 2×10^7 -3, किसी को समस्या तो नहीं आता, अच्छा अब क्या करा जाए, तो हल करते हैं इसको भी, 2×4=8, 12×4=48 रहे दो, इधर गुणा कर लो, इमा जो 4 बने दो इससे गुणा करा दो, तो कितने बन गए, 12×2=24, 240, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये घात भी या एक्स -2 है, हाँ ठीक, 4 बना यू, 1×2 इमा ले लो, 1×2 इसमें ले लो, 2 से गुणा करा 12×2=24, इतने बने, और 2 से इसकी गुणा करा दो 90 बन गए हैं, घाते इकट्ठा कर लो, 8×2=10 में से गया कितने बचे, -7, अरे सही है ना, 2 जीरो काट के +2 लगा लिया जाए, 9 से गुणा 9×4=, कुछ गड़बड़ हुआ, 9×4=36, 9×2=18, 18×3=21, और × 10^7 -5 मीटर, क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं, कम ज़्यादा, बराबर आ रहे हैं, तो मर्जी हो जब ये बात बोलेगा तो इससे लगाइए, अदरवाइज
इससे लगा लीजिए। अरे समझ गए सबको पक्का? चलो ठीक, लॉन्ग लगा लीजिए।